ये तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर डल लेक तक और खूबसूरत बगानों से लेकर नदियों और झरनों तक इनकी खूबसूरती सदियों से लोगों को लुभाती आई है। और अब तो घाटी में टूरिज्म के सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। गुड न्यूज है कि कश्मीर में इस साल 1.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी अब तक पहुंच चुके हैं, और इसकी वजह है घाटी का बदलता माहौल, जो देसी और विदेशी पर्यटकों को खूब रास आ रहा है। धारा 370 हटने के बाद वहां पर विकास के कई ऐसे काम किए गए हैं, जिसके तहत बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अच्छी सड़कें, बस, ट्रेन और हवाई सेवा को साल दर साल और बेहतर किया गया है। इतना ही नहीं, सैलानियों के मनोरंजन के लिए मल्टीप्लेक्स और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर में पर्यटन का कारोबार फिर से गुलजार हो उठा है। मुझे तो लगता है घूमने आना चाहिए, सबको आना चाहिए घूमने। यहाँ पे कश्मीर में बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, जैसे हम फॉरेन में जाते हैं, मुझे लगता है ये उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है, क्लाइमेट वगैरह भी बहुत अच्छा हो रहा है। इससे ज्यादा इंडिया में दूसरा जन्नत कोई है ही नहीं। कश्मीर के जो इंसान है, जो लोग रहते हैं यहाँ पे कश्मीरी, वो इतने अच्छे हैं कि हम बोल नहीं सकते, बहुत अच्छे है कश्मीर। दिस इज द हेवन ऑफ आवर कंट्री, सो इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू कीप अप द ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर। कश्मीर की खूबसूरती का जादू पर्यटकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घाटी में पर्यटन के क्षेत्र में 75 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। सूचना और जनसंपर्क निदेशालय ने रिपोर्ट में घोषणा की और बताया कि 75 साल के इतिहास में जम्मू कश्मीर में पहली बार 1.62 करोड़ पर्यटकों की संख्या दर्ज की गई है। इससे पहले प्रदेश में औसतन लगभग 10 लाख पर्यटक आते थे। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर पर्यटकों के आने से रोजगार के नए साधन भी लोगों को मिल रहे हैं, और पर्यटक भी कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठाकर बेहद उत्साहित है। इस बार तो तकरीबन 30% जो टूरिस्ट है वो ज्यादा है, 30% जो आते थे टूरिस्ट उससे यहाँ ज्यादा आए। और जैसे जैसे आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि इस साल जो टूरिस्ट खुला है वो मार्च से जो एंडिंग जुलाई तक बहुत अच्छा रहा, उसके बाद थोड़ा बहुत काम हुआ और माशाल्लाह पिछले महीने से और भी ठीक हो रहा है। क्या आप लोग कश्मीर के लोग खुश हैं इस टूरिज्म से? हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। उनको रोजगार मिलता है और हमारे यहाँ तो चहल पहल बढ़ती है, रौनक आती है गार्डन को। हम तो इसीलिए हम तो मेहनत करते हैं गार्डन को सजाने के लिए, और किसके लिए सजा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो आप हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर के बारे में? मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि वो आए और यहाँ पर एंजॉय करें। यहाँ पर बहुत अच्छा सीज़न है, बहुत अच्छा टूरिस्ट सीज़न है, बहुत अच्छे यहाँ जो हमारा जो गार्डन है बहुत अच्छे मेंटेन है, और हमारा जो यहाँ का लोगों का है जो ये हॉस्पिटलिटी वो भी बहुत अच्छी है। रेस्पॉन्ड कैसा रहा आपको इस निषाद बाग, मुगल गार्डन? मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूँ, जो रेवेन्यू है इस साल का, जो रेवेन्यू इस साल का है मार्च से एंडिंग जून तक जो रेवेन्यू आया है वो आया है 1.22 करोड़। दैट इज फार बेटर। घाटी को पर्यटन के लिहाज से बढ़ाने के लिए सरकार की कोशिश भी जारी है। 70 वर्षों में पहली बार करना, सोनमार्ग और गुरेज में एडवेंचर खेल का आयोजन किया जा रहा है। नई योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि न केवल पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो बल्कि उनके अनुभव को भी बढ़ाया जा सके। सीन साहब, कश्मीर आए आप तो कैसे लग रहा आपको कश्मीर? नहीं, बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया है, क्लाइमेट वगैरह भी बहुत अच्छा हो रहा है और माहौल भी अच्छा ही लग रहा है। ऐसे तो जो सुन रहे हैं उससे तो बढ़िया लग रहा है, फैमिली के साथ हम तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। खूब सुंदर जगह, एक्सीलेंट, जन्नत है भूस्वर्ग, बंगाली में बोलता है भूस्वर्ग। इंडिया में दूसरा जन्नत कोई है ही नहीं। ये अभी ये तो बर्फ का मौसम नहीं, हम दिसंबर जनवरी के बाद आएंगे तो बहुत सुंदर कश्मीर है, फॉरेन जाने का जरूरत नहीं है। और अप्रैल मई में आएंगे तो टूलिप गार्डन देखेंगे तो आदमी दूसरा फ्लावर देखना भूल जाता है। बहुत अच्छा लगा, हम दोबारा यहाँ आना चाहेंगे फिर। कश्मीर के जो इंसान है, जो लोग रहते हैं यहाँ पे कश्मीरी, वो इतने अच्छे हैं कि हम बोल नहीं सकते, बहुत अच्छे हैं कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं। और कश्मीर तो जन्नत है, जन्नत
स्वर्ग है, स्वर्ग है, पहली बार कश्मीर आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कश्मीर घाटी में सीमा पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के सहयोग के लिए भारतीय सेना भी तैनात है। यही वजह है कि सैलानी भी घाटी में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर मैं कम से कम 10वीं 12वीं बार आ रहा हूँ, मुझे कश्मीर बहुत पसंद है, स्पेशली ये श्रीनगर, और मतलब ये फैमिली का फर्स्ट टाइम था तो बहुत अच्छा लगा हमें आके, बहुत सेफ, सारा कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ पे, कोई एक पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, टूरिस्ट के लिए सच में हेवन है ये, हर किसी को एक बार जरूर आके ट्राई करना चाहिए। घाटी के लिए सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की गई हैं, जो पर्यटन का एक मुख्य हिस्सा है। इस साल अप्रैल 2022 में श्रीनगर एयरपोर्ट से 102 रिकॉर्ड उड़ानें भरी गई और करीब 15,199 यात्री हर रात घाटी में पहुंचे। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार अब की बार पर्यटकों की रिकॉर्ड तादाद कश्मीर पहुंची। इस साल जम्मू कश्मीर में 1,60,00,000 से भी ज्यादा पर्यटक आए, जो संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद इस साल के अंत तक जताई जा रही है। दरअसल कश्मीर में पर्यटन का सीजन गर्मियों में होता ही है, लेकिन इसमें और तेजी ऑटम सीजन और सर्दियों के दौरान आती है, जब कश्मीर में चिनारों का पतझड़ देखने के लिए और कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन की तरफ से काफ़ी तैयारियां भी चल रही हैं, जहां पर देश के अलग अलग शहरों में टूर ऑपरेटर्स के साथ बैठकें हो रही हैं, वहीं पर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 3 हफ्ते तक चलने वाला जश्न कश्मीर भी शुरू किया गया है, जहां कश्मीर की हस्तकलाओं के साथ साथ यहां के लोक गीत और नृत्य भी पर्यटकों को दिखाए जाएंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के आने की तादाद जो है 2 करोड़ को भी पार कर जाएगी। जम्मू और कश्मीर में सैलानियों की ये भीड़ इसकी गवाही दे रही है कि घाटी अब सुरक्षित है। धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर घूमने के लिहाज से महफूज है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।